Let's learn and earn from your home. Learning with earning. लेकिन आप अपनी बुक्स कैसे पब्लिश कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। ये अब किंडल है, अमेजोन का है, आप वहाँ पे जाके पब्लिश कर सकते हो अपनी बुक्स। तो यहाँ पर आपको मैं इस एग्जांपल दिखाती हूँ, एक सेकंड में मैसेज देती हूँ। जी बिल्कुल, कैसे लगे चलिए। अच्छा, तो अब अगर ये है ना कि अगर आपको सिंपल कोई क्वेश्चन करे, अगर आपसे किसी ने आर्टिकल लिखवाने के लिए कहा या कोई स्टोरी लिखवाने के लिए कहा है, तो अगर आपसे जैसे सिंपल ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई मुझसे आके पूछेगा कि भाई टाइम क्या हो रहा है, तो उसको मैंने सिर्फ टाइम ही बताना है। उसको मैंने ये नहीं बताना कि नहीं भाई ये घड़ी इस तरह से बनती है और ये घड़ी बनने के बाद इसमें हम टाइम देख सकते हैं और घड़ी बनाओ और जाके टाइम देखो, ऐसा मैंने उसे जाके बिल्कुल भी नहीं कहना। मतलब कहने का ये है कि आपने बिल्कुल जो इररिलेवेंट बातें होती हैं वो किसी भी चीज में नहीं डालनी, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो मतलब ब्लॉग पोस्ट वगैरह चल रहे हैं कोई इस तरह का, तो आपने बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज नहीं डालनी जो आपके कंटेंट को मतलब बिल्कुल इंटरेस्टिंग वाले फेज में से निकाल ही दे कि लोग उसे पढ़ना ही ना पसंद करें। तो ये वाला सीन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा किंडल का मैं बता दूं कि आप लोग अगर बुक पब्लिश करवाने की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को उसका बता दूं कि क्यों आप लोगों को वहां पे जाके अपनी बुक पब्लिश करनी चाहिए। मतलब बुक, अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि एक बुक है, मैं कैसे एक बुक लिखूं, बहुत टाइम लगेगा, 500,000 पेजेस की बुक, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर छोटी सी बुक लिखें, लाइक अगर जैसे आपको मैं आगे इसके एग्जाम्पल एक दिखाऊंगी कि आप मतलब छोटी सी बुक लिख के उसको पब्लिश कर दें तो लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये भी एक राइटर है, न्यू राइटर आई है, चलो इसको देखते हैं ये कैसा लिख सकती है, लिख सकता है, तो लोग यकीनन उसको पढ़ना पसंद करेंगे। अगर पढ़ेंगे अच्छा, उसके बाद इसमें ये होता है कि किंडल पे आप क्या करते हो कि पहले वहां पे ऑडियंस है, उन्होंने बनाई भी है, जो लोग आते हैं और कोई भी नई बुक आए वो उसको चेक करते हैं, ठीक है। अगर आप समझते हो कि मतलब आप एक अच्छी बुक लिख सकते हो तो आप उसको वहां पे पब्लिश करो और वहां पे पब्लिश करने के बाद आपको उसका रिस्पांस आएगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, रिस्पांस आएगा। रिस्पांस आने से ये मतलब है कि आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग पढ़ रहे हैं, फिर आपको वहां से अपने एरर्स पता चल सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और ऑलरेडी वहां पे ऑडियंस है, आपको ये नहीं है कि आपने बुक लिखी है फिर लोगों को पकड़ते फिर यार मेरी बुक पढ़ लो, यार मेरी बुक पढ़ लो, नहीं आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा करना है कि आपने वहां पे पब्लिश करनी है, ऑडियंस वो लोग खुद ही उन्होंने जनरेट की हुई है, पहले से ही ऑडियंस होगी वहां पे और वो आके आपकी बुक पढ़ेगी, फिर वो रिव्यूज देंगे चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, जिस तरह की बुक होगी जैसी उनको लगेगी। अच्छा, फिर KDP है, ये उनका होता है किंडल का के वो कैसे मतलब उसको रैंक करवाते हैं वहां पे, ये इनकी एक ऑप्शन है सिलेक्ट की, KDP सिलेक्ट की, आप इसको सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। और वहां पे उनके बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं कैसे, फिर वो कमीशन डिवाइडेड और वो सारा सीन होता है उनका। और फिर जब आपके अगर पेजेस 10 पेजेस हैं तो उस पे आपके मतलब हर पेज के हिसाब से आपको वो पे करेंगे, मतलब अगर किसी ने 3 पेजेस पढ़ के छोड़ दिए हैं तो आपको 3 पेजेस के हिसाब से वो करेंगे, और अगर किसी ने इस तरह से, तो आप एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर भी नहीं, जब आप बुक पब्लिश कर रहे हो तो ना आप उसी टाइम पब्लिश हो जाती है बुक आपकी, और फिर वो आपके आई थिंक वो प्राइसिंग वगैरह रिव्यू करते हैं और वो आई थिंक 48 आवर्स लेते हैं, तो वो इस इनका ये सीन होता है, ये इसका एक और बेनिफिट हो गया। देन उसके बाद उनका ये होता है कि आपको ये नहीं होता कि आपने बुक एक बार हुई है पब्लिश, एक महीने में आपको इतने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, उसके बाद आपकी बुक चली गई, ऐसा नहीं होता, आपकी बुक वहीं रहती है और आपको उसका, आप अगर वहां पे जाके चेक भी करें ना उनका कंटेंट, जिन्होंने उनको वहां पे देखा हुआ है कि उनका कैसा वहां पे बुक्स पब्लिश हुई है, आप वहां जाके देखो इतनी बेकार बुक्स पब्लिश हुई है और लोग उसे पढ़ भी रहे हैं। अगर हम यहाँ से अपने पास से कोई बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी स्टोरी लिखे या कोई कॉन्टेंट लिखे, इट्स नॉट लाइक आप कोई फिक्शन कोई स्टोरी ही लिखो, इट्स नॉट लाइक दैट।
आपने क्या करना है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, इवन आप ये भी लिख सकते हो कि 10 वर्कआउट्स और व्हाटएवर इस तरह की KDP सिलेक्ट, तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा। इनफैक्ट मेरे पास यहाँ तो ओपन होगी, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि आपको जितने लोग, मतलब ये नहीं होता कि आपकी बुक जो है वो एक बार मतलब महीने में पढ़ी गई है उसके बाद उन्होंने उसको पीछे कर दिया, आपकी बुक को लोग पढ़ते रहेंगे जब तक कि, इसकी भी एक टिप है, इसकी एक टिप ये है, घर में आके बताती हूँ, सारी आगे की बातें हैं जो आप लोग अब साथ आ पाते करवा रहे हो। अच्छा, अब ये देख लो यहाँ पर आप देखो 7 फ्री एडवर्टाइजिंग हैक्स। अब मुझे बताओ ये कितनी एक बड़ी बुक होगी, 7 फ्री अगर एडवर्टाइजिंग हैक्स उसने एक एक पेज पे भी लिखा है ना, इतने बड़े हैक्स हैं उसके, उसने एक एक पेज पे भी लिख दिया, तो 7 से 10 जिसकी भी ये बुक नहीं है। देन 8 कूल वेज टू प्रमोट योर यूडेमी कोर्सेस, देन 10 ऑसम वेबिनार हैक्स। तो ये वाली बुक्स जो आपको नजर आ रही है ये उसको मतलब आप देख लो कि ये कितनी एक पेजेस की होंगी। आप लोग समझते हो कि बुक बहुत बड़ी होती है, 500,000 पेजेस की होती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख लो कि इसने जरा जरा सी वो छोटी छोटी सी बुकलेट्स टाइप बनाए हुए हैं और ये इसको सेल कर रहा है बंदा जो भी है। तो इस तरह की बुक्स हैं, और इसने कवर्स कैसे बनाए हुए हैं ये भी बहुत आसान है, ये मैं आपको एंड पे बता दूंगी कवर कैसे बनाते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएं जो आपको लगता है, पहले सर्च करें कि लोग पढ़ क्या रहे हैं, उस हवाले से आप फिर उसको। अच्छा, इसमें ये है कि आपने क्या करना है कि एक आता है KD स्पाई, एक गूगल की एक्सटेंशन है। अब गौर से ये बात आप लोग सुन लें कि ये एक गूगल की एक्सटेंशन है, एक स्पाई की तरह की ही एक वो है एक्सटेंशन है। आपने क्या करना है कि आप जब उधर जाएंगे वहां पे बुक्स के सेक्शन में जब आप चले जाएंगे ना किंडल पे, तो आपने क्या करना है कि वहां पे जैसे अगर कोई हेल्थ के हवाले से कोई आप सब कैटेगरी खोल लें, ठीक है, सब कैटेगरी में जब आप उसको खोल लेंगे ना तो उसके बाद जो भी आपके सामने बुक्स आ रही हैं, बेस्ट सेलर्स आ रही हैं उनका यहाँ पर ठीक हो गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसका। अच्छा, ये देख लें आप लोग, ये इनका है स्पाई करने का, ये आपको यहाँ पे मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पर, अब ये है कोई साइंस एंड न्यूट्रिशन का कोई है, और इसने बताया हुआ है कि इसके पेजेस इतने हैं, इसकी प्राइस इतनी है, और इसको सेल्स कितनी मिली है, ठीक है। आपने इसको फिर इस पर सर्च करनी है, आपने डिफरेंट कैटेगरीज में जाना है, इस स्पाई वाले टूल को यूज करना है। इस टूल को यूज करके आपको पता चल जाएगा कितने लोग इसको पढ़ रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ है। आप लोग जब ये वाला सीन करेंगे ना यहाँ पर, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि आपको बुक किस हवाले से लिखनी है, किस हवाले से पब्लिश करनी है, ठीक है। और फिर ये आपको जब आप इसको कर लेंगे ना, तो आपको फिर ये यहाँ पर आपको टॉपिक्स बताएगा, ठीक है, आपको बुक के टॉपिक्स बता देगा यहाँ पर। आप बुक के टॉपिक्स यहाँ पे देख लोगे, क्योंकि वो आपको उससे क्या कहते हैं सर्च करके पूरा उसमें से निकाल के बताएगा कि ये चीजें आप इस इन चीजों पे जो है ना वो टॉपिक्स लिखे, ठीक है। उसके बाद